आईटीसी ग्रैंड भारत रिजोर्ट में तीन दिन से रुके भाजपा नेता अंदर रणनीति बना रहे थे, तो कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने रिजोर्ट के गेट पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबर रिजोर्ट प्रशासन को लगी तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी। नूह पुलिस की इस खबर ने हवा निकाल दी तो आनन फानन में डीएसपी ताबड़ो अनिल कुमार दल बल के साथ रिजोर्ट पहुंचे। पुलिस लाइन नूह से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया। मोहम्मदपुर अहीर पुलिस चौकी ताबड़ू पुलिस से लेकर खुफिया विभाग नूह की गाड़ियों में भरकर जवानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सरकार को कोई खतरे की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोगों को बड़ा बड़ा लालच देके और उस तरीका से लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं और इस तरीका से कोई सरकार को खतरा नहीं है, पर लोकतंत्र खतरा जरूर है। इस तरीका की जो वारदात हो रही है जगह जगह, जो इनका काम चल रहा है, पैसा की झलक दिखा रहे हैं, जो नोटबंदी में जो घोटाला था, आज जो पैसा सामने आ रहा है, उस पैसा का असर यही है कि खरीद फरोख्त करके और किसी तरीका से हम सरकार को गिराने का काम करें। और सरकार हमारी गिरेगी नहीं, गई भी, पर लोकतंत्र की हत्या है कि जो जनता जनता का जनता जनार्दन है, जनता जो चुनती है उसी की सरकार बनती है। पर ये पैसा पे काले धन को आज इस्तेमाल करना चाह रहे, उसे सरकार को हिलाना चाहते, गिराना चाहते। नूह मेवात से अनिल मोहानिया की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए यस टीवी।